गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. यस्टरडे आई टॉट यू चैप्टर नंबर फर्स्ट अबाउट माई सेल्फ. योर फर्स्ट चैप्टर रिवीजन इज कंप्लीटेड. नाउ आई विल स्टार्ट रिवीजन फॉर चैप्टर नंबर टू. चैप्टर नंबर टू इज माई फैमिली. इन दिस चैप्टर आई स्टडीड, वी ऑल स्टडीड अबाउट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली एंड दियर नीड एंड दियर एडवांटेजेस. नाउ लेसन टू रिविजन माई फैमिली. क्लास फर्स्ट ईवीएस लेसन टू माय फैमिली. रिवीजन एक्सरसाइज ए फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट ए फैमिली इज ए group of people who are their related oblique not related related to one another. So correct answer is related. Related. Second, living in a family, is great dash trouble oblique fun. So correct answer is fun. Third, a family in which children live only with their parents is called a dash न्यूक्लियर ऑब्लिक जॉइंट. सो करेक्ट आंसर इज न्यूक्लियर.
फोर फैमिली फैमिली मेंबर्स सेलिब्रेट फेस्टिवल्स फेस्टिवल्स डेज सेपरेटली सेपरेटली ऑब्लिक टुगेदर सो करेक्ट आंसर इज टुगेदर फिर फैमिलीज आर ऑफ टू टाइप्स न्यूक्लियर फैमिली एंड डैश स्मॉल ऑब्लिक जॉइंट फैमिली So, correct answer is joint now EVS homework right Exercise A of lesson 2 and learn it. Now try to understand this meaning. Fill in the blanks. रिक्त स्थानों की पूर्ति करो. First, A family is a group of people who are related oblique not related to one another एक परिवार लोगों का समूह होता है जो एक दूसरे से संबंधित रहते हैं second living in a family is great fun एक परिवार में साथ रहने से अत्यंत आनंद होता है सो करेक्ट आंसर इज फन थर्ड ए फैमिली इन विच चिल्ड्रन लिव ओनली विद डियर पेरेंट्स इज कॉल्ड ए न्यूक्लियर फैमिली न्यूक्लियर फैमिली एक परिवार जिसमें केवल उनके बच्चे और माता पिता होते हैं केंद्रीय परिवार कहलाता है फोर्थ फैमिली मेंबर्स सेलिब्रेट फेस्टिवल्स टुगेदर परिवार के सदस्य एक साथ उत्सव मनाते हैं फिफ्थ फैमिलीज आर ऑफ टू टाइप्स न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली परिवार दो तरह के होते हैं केंद्रीय परिवार और संयुक्त परिवार ईवीएस होमवर्क राइट एक्सरसाइज ए ऑफ लेसन टू एंड लर्निंग इसको आप
राइट करेंगे और लर्न करेंगे। दिस इज योर टुडेज ईवीएस रिवीजन होमवर्क। थैंक यू।